नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज अ पैरल प्लेट कंडेंसर ऑफ प्लेट सेपरेशन डी एंड प्लेट एरिया क्रॉस सेक्शन ए सच दैट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज ई और हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं अगेन सिंपल uh, सवाल है uh, थ्योरी के आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सो से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कैपेसिटर है इस कैपेसिटर को हमने एक वी वोल्ट पे यहाँ कनेक्ट किया हुआ है ये आपका कैपेसिटर है इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर होएगा क्यू विल भी इक्वल टू सी और कैपेसिटर में जो एनर्जी होएगी देट विल बी इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर और इसी को हम लिख देते हैं हाफ क्यू स्क्वायर बाय टू सी या क्यू स्क्वायर बाय टू सी और या फिर आप लिख देते हैं हाफ क्यू वी ये आपकी तीनों एनर्जी लिखी जाती हैं सो so, ये तो है एनर्जी स्टोर्ड नाउ हम यहां बात करते हैं पावर सप्लाइड एनर्जी सप्लाइड बैटरी की तो जो हम एनर्जी सप्लाई करती है बैटरी एनर्जी सप्लाइड वो आती है हाफ सी वी स्क्वायर इंटू टू यानी कि वो होती है आपकी एनर्जी सी वी स्क्वायर या फिर क्यू वी या इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय सी और जो आपकी हाफ़ एनर्जी है वो यहाँ पे वो रिशन जो है बट दिख नहीं रहा है इस वाले उसमें आपकी हीट लॉस में चली जाती है सो एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी जो होगी वो हाफ़ सी बी स्क्वायर क्यू वी या क्यू स्क्वायर बाय सी होएगी अब इसको हम अगर इस टर्म में लिख लें सो एनर्जी सप्लाइड होगी हाफ सी वी स्क्वायर सी को हम लिख सकते हैं एफ्स नॉट ए बाय डी मल्टीप्लाइड बाय वी वी को हम लिख सकते हैं ई मल्टीप्लाइड बाय डी का स्क्वायर ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है सो तो उसके टर्म में जो स्क्वायर करेंगे तो डी ए और डी ए कैंसिल हो जाएगा आ, ये बचेगा एप्सल नॉट ए डी मल्टीप्लाइड बाय ई का स्क्वायर ये आपकी एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी होएगी सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए वुड बी द राइट आंसर